उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस वालों की बेरहमी और गुंडागर्दी सामने आई है, जहां बगैर जुर्म बताए पुलिसकर्मी एक बीजेपी नेता को घर से उठा लाए और फिर थाने में बंद कर जुर्म कबूलने के नाम पर रात भर थर्ड डिग्री का इस्तेमाल करते रहे। हालत बिगड़ने पर उसे परिजनों के सुपुत्र कर दिया गया। भाजपा नेता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। मामले में एसएसपी ने संज्ञान लेते हुए थाना इंचार्ज सहित 3 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला गोता थाने का है। सियाना विधानसभा क्षेत्र के तेजगढ़ी की मढ़िया गांव निवासी भाजपा नेता लक्ष्मी प्रताप सिरोही को पुलिस बीती रात उनके घर से बिना जुर्म बताए उठाकर ले गई। पुलिस ने पूरी रात भाजपा नेता को जुर्म कबूलने के लिए थर्ड डिग्री दिया। सिरोही पूरी रात रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन पुलिस का दिल नहीं पसीजा। पूरी रात थर्ड डिग्री देने के बाद भाजपा नेता की हालत खराब हो गई है। आनंद फानंद में परिजनों को बुलाकर भाजपा नेता को उनके सुपुत्र किया गया। थर्ड डिग्री के कारण से भाजपा नेता की हालत खराब होने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस घटना के बाद से स्थानीय विधायक देवेंद्र लोधी सहित भाजपा नेताओं में पुलिस के प्रति रोष व्याप्त है। वहीं स्थानीय विधायक देवेंद्र सिंह लोधी का कहना है कि वह पुलिस की शिकायत को लखनऊ डीजीपी ऑफिस में करेंगे। भाजपा नेता का आरोप है कि थाना इंचार्ज के सामने कई पुलिस वाले उस पर जुर्म को कबूल करने के लिए दबाव बना रहे थे, जो उसने किया ही नहीं था। एक सिपाही उसके पैरों को जूते से रौंद रहा था, दूसरा डंडे फट्टा बरसाते हुए वारदात कबूलने को कह रहा था। एसएसपी ने मामले के संज्ञान के बाद अगोता थाना इंचार्ज जयप्रकाश चौबे, उनके दो हमराही आरक्षी राजीव चौहान, आरक्षी नितिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भाजपा के विधायक अगोता पुलिस पर निर्दोष भाजपा कार्यकर्ता को थर्ड डिग्री दे यातनाएं देने का आरोप लगा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि लक्ष्मी प्रताप सिरोही के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी प्रताप सिरोही। क्या वारदात क्या हुई आपके साथ? मैं अपने घर पर सोया हुआ था, मेरे घर पर अगोता पुलिस पहुंची, पहुंचने पर गाड़ी रोक कर मेरे किवाड़ बजाए। किवाड़ बजा कर मैं जैसे ही गेट पाया, क्या बात है, तो बाहर आने के बाद में मुझे उठाकर मेरे घर वालों ने रोकने की कोशिश करी, वे क्या बात है, उनसे बदतमीजी करी और मुझे जीप में डालकर, दो गाड़ी थी और लेके मुझे अगोता आ गए। रास्ते में मेरी जेब में 15,000 रुपये रखे थे, एक नितिन सिपाही है उसने वे भी काट लिए। और घर मैंने आके पूछा मेरे साथ क्यों ऐसा कर रहे हो, तो ये कह दिए कि किसी ने कोई जवाब नहीं दिया और मेरे इसी तरीके से मेरे साथ मारपीट बराबर चलते रहे। और ये कह कि तू साले भाजपा लीडर भी कही है। आपने ये नहीं पूछा क्यों उठा के ले जा रहे हो? हाँ, मैंने पूछा, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कुछ नहीं बताया, मुझे कोई जवाब नहीं दिया सिवा मारने के। इससे पहले भी आपके साथ ऐसा हुआ क्या? नहीं, कभी नहीं हुआ जी। विधायक जी, क्या मारपीट का क्या मामला है? देखिए, ये किसान है, कार्यकर्ता, बहुत बढ़िया कार्यकर्ता है। आज तक इसकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं, सज्जन आदमी है, साफ सभी का है, मेरी विधानसभा का है। और ऐसो अगौता बिना किसी गुनाह बताए, बिना किसी वजह से उठा कर ले गए रात को, और जिस प्रकार से इनके साथ में थर्ड डिग्री का प्रयोग किया है, ये पुलिस की जाती है। और कुछ ये पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो हमारी सरकार की जो छवि है उसे डिफेम करना चाहते हैं। ऐसे जो हैं ये कम से कम जो ये सस्पेंड नहीं, टर्मिनेट होने चाहिए। मैं इसकी मांग जो ऊपर उठाऊंगा, इसकी कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई की ये मैं मांग करूँगा। किस मामले में इन्हें लेके गए? मामला कुछ है ही नहीं, कोई अपराध नहीं, कुछ नहीं बताया पुलिस ने, कोई ऐसा मारपीट कर फिर छोड़ दिया। किस चीज़ से मारा? इस पर जो भट्टे बजाए, लाठी बजाई हैं, और जो है आपने ना देखा, आपने पूरा देखा है नीचे से ऊपर तक किस प्रकार तोड़ा है। कोई गुनाह तो बता दे, कोई चोर हो, डकैत हो या कहीं हो, तो उस बात की सही है कि साहब उठा लिया पुलिस ने, पीट दिया। वजह तो बता, किस वजह से पीटे, क्यों उठा के ले गए, क्या लालच हो? अगौता पुलिस का क्या कहना है? अगौता पुलिस का क्या कहना, कुछ कुछ कहना थोड़ी हो, एक बेगुनाह को उठा के ले जाकर पीट देना, ये कौन सी उसकी हुआ है? और इनके बारे में मैंने एसएसपी साहब से भी बात की है, एसएस साहब कह रहे हैं मैं इसकी जाँच करा कर कार्रवाई करूँगा, जिस भी सोने इनके साथ में इस प्रकार मारपीट की है, इन पर थर्ड डिग्री का प्रयोग किया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।